हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सरजीव में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, जैसा कि डिप्लोमा सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर के क्या भी अपडेट निकल के आ रही है। तो आपको बता दें, आपके लिए दो खुशखबरी है जी गाइस, आपके लिए बैक टू बैक दो खुशखबरी निकल के आ रही है। पहली खुशखबरी ये है कि इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के जो छात्र हैं उनको शुल्क वृद्धि, जी गाइस, उनको इस कोविड महामारी में शुल्क वृद्धि नहीं देनी होगी। अर्थात जो अभी तक आप फीस जमा करते चले आ रहे हैं उसी पर आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर की फीस लगेगी। तो इस समय आपके लिए दो खुशखबरी है, एक तो आपकी शुल्क वृद्धि नहीं हो रही है, दूसरी कि जो पॉलिटेक्निक की परीक्षा है जी गाइस, पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम, जी गाइस, आप सभी के एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। आप सभी को जैसा कि नोटिस के ज़रिए इन्फॉर्म कर दिया गया है, पेपर में भी काफ़ी न्यूज़ निकल के आ रही, हमने आपको लगातार अपडेट देते रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक के जितनी भी इवन सेमेस्टर है, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के छात्रों की जो एट्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम है, सब आपके ऑनलाइन होने हैं। तो ऐसे में पॉलिटेक्निक सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं, पहले तो उनको जो है एक प्री टेस्ट कराया जाएगा, कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति दी जाएगी। तो आइए कुछ डिटेल में बात करें इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी है यूनिवर्सिटी परीक्षा को लेकर के या फिर इंजीनियरिंग की, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी बात। कोरोना संक्रमण काल के में शासन ने इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के लिए नए सत्र 21-22 जी गाइस 2020-21-22 में पूर्व निर्धारित शुल्क ही प्रभावी करने का निर्देश दिया है। नए सत्र में कॉलेज किसी तरीके की शुल्क वृद्धि नहीं कर सकेंगे। सचिव व अध्यक्ष प्रवेश फीस नियमन समिति के अनुसार AKTU से संबंध निजी क्षेत्र के 750 इंजीनियरिंग कॉलेज व प्राविधिक शिक्षा परिषद से संबंध अर्थात डिप्लोमा से संबंधित आपके 1247 डिप्लोमा स्तरीय व 19 अनुदानित संस्थानों में पिछले सत्रों में निर्धारित शुल्क ही 2021-22 के लिए भी मान्य होगी। तो इस तरीके से आप सभी को जो भी AKTU से संबंध है 750 इंजीनियरिंग कॉलेज उनके लिए और डिप्लोमा से संबंधित आपके 1247 जो कॉलेज हैं उनके लिए सेम फीस होगी, जैसा कि अभी तक आप फीस देते चले आ रहे हैं वही फीस आपका लगेगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि परीक्षा से पहले पॉलिटेक्निक के छात्र देंगे ऑनलाइन टेस्ट, तो डिप्लोमेटिक जितने भी छात्र हैं सबको एक प्री टेस्ट कराया जाएगा। पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी। परीक्षा से पहले छात्रों को ऑनलाइन टेस्ट कराने की तैयारी है ताकि वे परीक्षा प्रक्रिया को लेकर पूरी तरीके से अभ्यस्त हो सकें। दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं आमतौर पर मई में शुरू हो जाती थी, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना के चलते परीक्षाएं इस बार देरी से हो रही हैं। सेमेस्टर परीक्षा, जी गाइस, सेमेस्टर परीक्षा यहां पर सीधे सीधे लिखा हुआ 21 जुलाई से 31 जुलाई तक के बीच कराने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा की संभावित नीतियों के ऐलान के बाद प्राविधिक शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। तो आप सभी जो है कमर कस ले, 21 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच सेकेंड और फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर, जैसा कि आप सभी को पता है कि डिप्लोमा 3 ईयर होता है तो उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, जबकि AKTU या इंजीनियरिंग जो है 4 सेमेस्टर होता है, उसमें 4 ईयर का होता है उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। तो इस तरीके से डिप्लोमेटिक के लिए चौथे, दूसरे और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएँ आपकी 21 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य कराई जाएंगी और सब होगा ऑब्जेक्टिव सी गाइस, सब आपके MCQ क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन अभी तक निर्धारित किए गए हैं 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे में। अब देखना है कि इसमें कोई बदलाव होता है या यही रखे जाएंगे। तो इस तरीके से आप सब अपनी पढ़ाई को जारी रख दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ऑनलाइन एग्ज़ाम या MCQ एग्ज़ाम करने में। तो गाइस, ये थी पूरी बात, जैसा कि हमने अपने इस वीडियो में आपको अवगत कराया। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़े क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उसके बारे में क्या एग्ज़ाम होंगे या नहीं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए नोटिस एक नए गाइडलाइन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। कोरोना में आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।